आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ और देता ही रहूंगा। आदरणीय हमारी समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और देता ही रहूंगा। आप सभी उत्तर प्रदेश की जनता से, आप सभी उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा, आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा इस पृथ्वी पर आज तक ना कोई नेता पैदा हुआ है और ना ही होगा। अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए इतना काम किया है कि आज तक कोई भी देश का उतना प्रधानमंत्री भी काम नहीं किया होगा। एम्बुलेंस योजना आज समाजवादी पार्टी की देन है। 100 नंबर पुलिस, तत्काल सेवा के लिए लैपटॉप, विधवा पेंशन, आवास, मेट्रो ट्रेन, हाईवे रोड, कितने काम किए आदरणीय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने, कितने काम किए। और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन है? कहाँ गए अच्छे दिन? अच्छे दिन कहाँ है? अच्छे दिन कहीं पे बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, कहीं पे रोज दंगा हो रहा है, कहीं पे देश के नौजवान शहीद हो रहे हैं, उनका दर्द कौन समझेगा। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, आपके तो बच्चे बेटी है ही नहीं, उनका दर्द कौन समझेगा। और कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जैसा इस दुनिया में, इस धरती पे, इस पृथ्वी पर कोई भी ना पार्टी है और ना ही होगी। मिशन 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। ना दीवाना हूँ महाकाल का, ना जय श्री राम का, हम तो दीवाना हूँ जय समाजवाद का। पत्ता हूँ ताश का जोकर मत समझना, दीवाना हूँ अखिलेश का, नौकर मत समझना। ना झुकने दिए हैं और ना ही अपनी समाजवादी पार्टी को और साइकिल को कभी हम झुकने देंगे। मारा मोहरिया तान के साइकिल के निशान पे समाजवादी पार्टी आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा बाद रहेगी। और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ट्रक ड्राइवर जो है उनको लुंगी पहन कर चलाने पर चलान कटेगी। वो जो उत्तर प्रदेश को लुंगी पहन कर चला रहे हैं, उनको कौन चलान काटने वाला। कोई इंसान हेलमेट नहीं लगा कर चलता है, ये सही बात है, ये अच्छा काम किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो उसके साथ पैसा कट रहा है, जो उनसे उनके साथ एक तो उनको हेलमेट भी देना चाहिए। जो चालान कट रही है ना, पैसे ले रहे हैं उनको, जो नौजवान नहीं लगा कर आ रहा है उनको एक तो हेलमेट भी देना चाहिए। अगर यही समाजवादी पार्टी रहती तो ये काम करती। और मैं कहना चाहता हूँ,